चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के अंतिम चैप्टर मतलब 13वां चैप्टर जिसका नाम है गांव का घर, इस चैप्टर का हम लोग सारे जो सारांश है, जो गद्य सारांश है, जो गद्य मतलब काव्य है, जो आपका कविता सारांश है, ये सारी बातें हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक बात देखिए, आपका ये अंतिम चैप्टर है, इस अंतिम चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान भाषाओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, चैप्टर्स का नाम है गांव का घर, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। कौन है ज्ञानेंद्र पति? तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय मतलब ज्ञानेंद्र पति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लेखक कवि का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पत्थरगामा गोड्डा के झारखंड में हुआ है। कहाँ? गोड्डा। ये गोड्डा क्या है? एरिया का नाम है। तो पत्थरगामा गोड्डा के झारखंड में इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम क्या? श्रीमती सरला देवी। पिता का नाम है श्री देवेंद्र प्रसाद। यदि इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो आंख हाथ मलते हुए, गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार। देखिए, संस्यात्मा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 में मिला था, ठीक है ना। तो इनकी रचनाओं में देखी जाए तो आंख हाथ मलते हुए, गंगा तट, संस्यात्मा, भिनसार आदि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2006 में इन्हें पहल सम्मान से भी विभूषित किया गया था। मतलब 2006 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला? मतलब पहल सम्मान दिया गया। और साथ में जो संस्यात्मा इनकी काव्य पुस्तक थी, मतलब कविता थी, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से आपका ये क्या है? कवि परिचय है। अब जैसे इस चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, चैप्टर्स का नाम क्या है? पहले उस नाम को आप पकड़िए। चैप्टर्स का नाम है आपका गांव का घर। इसका मतलब क्या है कि जो लेखक ज्ञानेंद्र पति है, ये गांव के बारे में बता रहा है कि जो गांव का घर है अब कैसा रह चुका है, अब आधुनिक दुनिया में ये गांव का घर कैसा रह चुका है, इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसको कई भागों में हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे। पहली भाग यहाँ पर है, गाँव के घर के, किताब खोल के बैठ जाइए ताकि आपको भी स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है ना। गाँव के घर के अंतःपुर की वह चौकट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेहुआ वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्या देखिए, बोले गांव के घर के अंतःपुर की चौखट। कहने का मतलब जो गांव के अंदर जो घर था, उसके घर के अंदर जो चौखट थी, उसको लांघना जो है ना, एक सीमा के बराबर था। पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, चाहे जो भी लोग हुआ करते थे, वो घर में डायरेक्ट घुस नहीं जाते थे, बल्कि वो खड़काते थे, क्या किले उलट खड़काते थे, दरवाजे पर बजाते थे, या किसी का नाम लेकर क्या करते, पुकारते थे, डायरेक्ट घर में नहीं घुसते थे। क्यों? क्योंकि वो जो चौखट था वो एक सीमा था, उसको लांघना जो बूढ़ पुराने के लोग हैं उनके लिए मतलब यह संभव था, ठीक है ना। पहले जो गांव समाज में नियम था, तरह तरह का नियम था, लेकिन आजकल के जो आधुनिक युग चल रही है, इसमें सारा नियम कानून खत्म हो गया। अब तो घर में लोग ऐसे ही घुस जाता है, बुढ़वा चाहे जवान हो, ऐसे ही मतलब धड़ाले घुस जाता है सब। तो ये कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, मतलब गांव के घर के अंदर जो चौखट है, ठीक है ना, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेहुआ। कहने का मतलब है गांव के घर के अंदर जो चौखट हुआ करता था, उस पर जानते हैं मतलब सहजन का एक पेड़ आता है जिससे मतलब गोंद निकलता है साटने के लिए, उस चौखट पर मतलब उस गोंद से टिकुली साट दी जाती थी, या जो औरत लोग हुआ करती थी पहले के ज़माने में, जो टिकुली साटने का काम करती है सब, वो सब भी पहले गोंद से ही, सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलता था उससे साटने का काम करती थी। लेकिन आजकल का है, आजकल सब केमिकल आ रहा है, वही जैसे लागले आ रहा है, उधारो और क्या करो साट लो। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, गाँव के घर के अंदर जो चौकट थी उस पर सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलता था उसके द्वारा उसमें टिकुली क्या करी जाती थी? साट दी जाती थी। या आप देखते होंगे, या शायद अभी मान लो कि आपकी उम्र है अगर 20 या 22 साल की है, तो शायद उस समय आप अनुभव ये किए होंगे कि जो गांव के औरतें हुआ करती थी, जो भी टिकुली हुआ करती थी, वो अपने दरवाजे पर चिपका दिया करती थी पहले के ज़माने में। शायद ये सब प्रथा खत्म हो चुकी है। देखो, वही बात आ रही है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेहुआ वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को। ध्यान दीजिएगा सारी बातें पर। यहाँ पर मतलब गांव के घर के अंदर की जो चौखट थी उस पर टिकुली साटनी जाती थी, वो जो चौखट एक सीमा रेखा बन जाता था। तो उसके बाद है वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को, और वो जो चौखट एक थी ना, वो सीमा बन जाती थी, और उस सीमा को बुजुर्गों को आने के लिए खास कर आना पड़ता था, मतलब खेख करके आना पड़ता था, डायरेक्ट नहीं घुस जाएंगे, उस पर पहले जाइए ऐसे करना पड़ता था पहले के ज़माने में। अब वो प्रथा खत्म हो चुकी, अब तो जो चाहता वैसे ही घुस जाता है सब।
तो वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खासकर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की। कहने का मतलब है कि जो पहले चौखट घर में, ऐसा नहीं है कि आज घर में चौखट नहीं, आज भी है, लेकिन अब जो हम लोगों का पुराना जो गांव का घर था वो सब खत्म हो चुका है, ये आधुनिक गांव का घर हो चुका है, इसमें कोई प्रथा नहीं है, सारी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, बल्कि खड़काऊँ खटकाने या खबरदार की आवाज़ देते थे, मतलब पहले अपने आप को खखाड़ते थे उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे, वो भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तरह तरह का मतलब पहले नियम कानून थे, लेकिन अब वो प्रथा खत्म हो चुकी है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब है कि जो चौखट था वो एक सीमा का काम करता था, और डायरेक्ट जो बुजुर्ग जो हुआ करते थे, जो बूढ़े लोग हुआ करते थे, वो डायरेक्ट चौखट को पार नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो मतलब खासेंगे, खासकर मतलब वो अपने आने का संकेत देते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की, मतलब दरवाजा हुआ क्या करा खटखटाना पड़ता था या अपने पैर की आवाज़ धप धप देना पड़ता था, जिससे क्या होगी घर के अंदर जो लोग हैं वो खबरदार हो जाए, मतलब सजग हो जाए, अलर्ट हो जाए कि कोई घर के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। पहले के लोग खांसते थे, मतलब खटखटाते थे, लेकिन आजकल के लोग खटखटाते नहीं है, डायरेक्ट घुस जाते हैं। आगे, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। कहने का मतलब है कि जो चौखट था वो सीमा का काम करता था, और साथ में उसको आप ऐसे ही लांग नहीं सकते हैं, और साथ में उधर ही चौखट के उस पार ही रुकना पड़ता था, मतलब एक अदृश्य पर्दे के पीछे आपको रुकना पड़ता था। ऐसा जो मान लो जो दरवाजा है वो तो एक अदृश्य हो गया ना, अदृश्य का मतलब जिसको नहीं देखा जा सके, तो जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनको अदृश्य पर्दे के पीछे ही रुकना पड़ता था, और किसी का नाम लिए बिना ही पुकारना पड़ता था। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो कि आपके दादाजी और आप दादाजी के बेटे हैं, तो दादाजी आपकी पत्नी को, मतलब अपनी पत्नी को चाल करेंगे, बुलाएंगे, तो आपका नाम लेकर बुलाएंगे, सीधी सी बात है, ए फलान ऐसे मतलब बुलाएंगे, ठीक है ना, वही बात आ रही है। कहने का मतलब जो पुराने जमाने हुआ करते थे, जो चौखट था उसको लांगना बड़ी मुश्किल था, वो जो चौखट था एक अदृश्य पर्दा था, उसको बुजुर्ग लोग लांग नहीं सकते थे, और साथ में आते समय वो खासकर अपनी आने का संकेत दिया करते थे, दरवाजा खटखटाते थे। मतलब कहने का मतलब जो पुरानी प्रथा का घर था, और आज की प्रथा, मतलब आज आधुनिक युग की बात करते हैं तो उससे तालमेल नहीं खाने वाला ये आज का गांव, ठीक है ना। तो एक बार समझिए, गांव के घर के अंदर जो चौखट हुआ करती थी उस पर जो औरतें थी वो सहजन के पेड़ से मतलब गंध छुड़ा कर तिकुली के साटने का काम करती थी, लेकिन आजकल तिकुली वाला प्रथा खत्म हो गया है। कहने का मतलब है कि आजकल तिकुली केमिकल वाला ही आ रहा है, आप फटाक से चमके उतारो और दिमाग पर चिपका लो, चाहे चौखट पर चिपका दो, पहले चिपकाना पड़ता था सहजन के पेड़ से जो गंध निकलता था, ठीक है। और घर के अंदर जो चौखट है वो एक सीमा का काम करता था, उसको बुजुर्ग लोग लांग ही नहीं सकते हैं, यदि लांगते हैं तो पहले वो खबरदार करेंगे, अपने आने का संकेत देंगे खासकर, या खटखटाकर आने का संकेत दिया करते थे, और साथ में उनको उस चौखट के पार ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पीछे उन्हें रहकर किसी का नाम लिए बिना बुलाना पड़ता था। आगे देखिए, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, जिसकी तर्जनी नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज, शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक, महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बात है, जिसकी तर्जनी, अभी देखिए जो बूढ़े लोग हुआ करते थे पहले के जमाने में, वो चौखट नहीं लांग सकते थे, वो चौखट उनके लिए एक सीमा रेखा बन चुकी थी, जैसा सीता के लिए लक्ष्मण ने क्या किया था, एक सीमा रेखा खींच दिया था कि सीमा रेखा के अंदर कोई नहीं आएगा, यदि आ गया तो समझिए कि उसकी इज्जत चली जाएगी। जैसे रावण ने क्या किया, सीमा रेखा को लांगा, तो सीता वो क्या किया, हर को लेकर चले गया, कि वो सीता ही तो खुद वो सीमा रेखा को लांग दी थी। तो कहने का मतलब वही है कि जो सीमा रेखा पारी गई उसको बुजुर्ग लोग नहीं लांग सकते, लेकिन घर के जो और अंदर जो स्त्रियां हैं, जो औरतें, वो लांग सकती है। यदि वो सीमा रेखा लांगती है तब तो घर के, मतलब कहने का मतलब घर की बर्बादी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है, मतलब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्त्रियाँ सीमा रेखा लांगती है तो घर की बर्बादी हो जाएगी। ये सब कहने का मतलब, सीता जी की अगर उदाहरण लेते हैं, सीता ने क्या करी, सीमा रेखा लांगी, तो उनका क्या हुआ, बर्बादी हुआ, मतलब 14 वर्ष क्या हुआ, वनवास में रहना पड़ा, और साथ में रावण भी कई वर्ष तक उनको
रखने का काम किया। तो बाबू सीधी सी बात ये आप समझने की कोशिश करो कि जो बुजुर्ग लोग हुआ करते हैं उनके लिए चौखट जो था ना एक सीमा रेखा था, उसको लांगना मुश्किल था, वो लांग नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद की बात करें जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा जो घर था, घर का जो काम काज था वो सब उन्हीं के द्वारा चलने का काम करता था। ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे तो उनका कोई काम नहीं, कोई महत्व नहीं है। पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग ही सब काम करते थे, उन्हीं के इशारे पर पूरा घर सब चलता था उनका। लेकिन आजकल बुजुर्ग लोग का कोनो मतलब वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। उसका बेटा अपने बाप का इज्जत नहीं करेगा, बस वो सयान होगा, शादी ब्याह होगा, अपने बाप को लत मार देता है सब। तो पहले के जमाने में अपने माँ बाप का भी बड़ी कदर करी जाती थी, और आज के जमाने में ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो जिसकी तर्जनी नोक धारण किए रहती थी सारे कामकाज, जो बुजुर्ग हुआ करते थे, बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, वो शंख की तरह मतलब अपने अंगुली पर, अपने तर्जनी अंगुली पर सारे घर के कामकाज को नचाते रहते थे। और घर के जो भी लोग थे वो सब बुजुर्ग लोग से डरा करते थे, उनकी बातों को माना करते थे। आगे गाँव की घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि, और गाँव के जो घर है और जो चौखट के बगल में जो दीवार है उसको गेरू रंग से क्या क्या लिप दिया गया, जो भीत है उसको गेरू रंग से लिप दिया गया। और साथ में जो ग्वाले दादा दूध देने के लिए आते हैं, तो पहले के जो ग्वाला थे वो पढ़ लिखा नहीं होते थे, पहले अंगूठा दे देते थे। मतलब मान लो कि वो कॉपी उस पर अंगूठा दे देंगे, आज दूध दे देते एक अंगूठा, कल देते एक अंगूठा, मतलब अंगूठा देने का काम करते थे। और उसी के अनुसार वो गिन लेते थे कि 30 दिन लगातार दूध गया है, और उसके अनुसार वो दाम जोड़ लेने का काम करते थे, ठीक है। तो तर्जनी अंगुली पर ही जो बूढ़े लोग हुआ करते थे अपने घर के सारे काम काज को और अपने परिवार को नचाने का काम करते थे। मतलब वो बूढ़े जो लोग थे वो संघ के समान थे। और साथ में गांव के जो घर के बगल में जो चौखट है और उस चौखट के बगल में जो भीत है, जो दीवार है, उसको गेरू रंग से लिप दिया गया है। और गेरू रंग से लिपने के बाद जो ग्वाल दादा है वो रोज अपने दूध का ठेपा वहां पर देते हैं कि आज मैंने तुम्हारे घर में क्या किया, दूध दिया। और महीने के अंत जब होता है तो ठेपा गिन लेते थे, कौ गो ठेपा हुआ, 5 गो 6 गो 10 गो 30 गो 40 गो, जितना ठेपा हुआ था उसी के अनुसार वो काउंट करके पैसा लेने का काम करते थे। वही बात आ रही ना कि उस चौखट के मतलब गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कण। बातें समझ में आ रही है? कहने का मतलब देखो वो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि जो हमारे गांव में जो घर है, घर के अंदर जो चौखट है, उस चौखट के बगल में जो भीत है उसको गेरू रंग से लिप दिया जाता था। पहले गेरुआ रंग से क्या करी जाती थी, लिप दी जाती थी। और लिपने के बाद जो ग्वाले दादा थे, जो दूध देने आते थे, वो अपना अंगूठा देते थे और महीने के अंत में दूध काउंट कर लेते थे कितना दूध दिया गया है, और उसी के अनुसार अपना पैसा जोड़कर ले लेते थे, ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखनी है। अब देखिए तीसरी पॉइंट है, गाँव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बितवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। इस बात को अब ध्यान से समझिए, जो गांव का घर है वो अपने गांव खो चुका है। पहले के जो गांव हुआ करता था उसमें तरह तरह की परंपरा, तरह तरह के नियम कानून था। मतलब बूढ़े लोग गांव के चौखट को लांग नहीं सकते थे, घर के चौखट को लांग नहीं सकते थे। लेकिन आज का है, आज तो इंगत घुस जाता है सब, सिगरेट मारेगा मुंह में, दारू पी लोगा तो एकदम भौंवाते घुस जाता है सब घर में। कहने का मतलब देखिए, तो जो गांव का हम लोग का पहले का घर था, वो जो गांव है वो अपना गांव खो चुका है। और साथ में जो पंच परमेश्वर हुआ करता था वो सब भी खो चुका है, क्योंकि अब हम लोग के पंचायत में पंचायती राज हो चुका है। कोई भी समस्या आएगी फटाके आप क्या करो, पुलिस थाना में पहुंच जा, वो आएगी लूट पाट के क्या करेगी, चली जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले पंच मतलब गाँव के 2-4-10 गाँव के लोग मिलकर जो भी गाँव के लोगों का समस्या हुआ करता था वो मिलकर उसकी उस समस्या का हल कर देते थे, लोगों का पैसा ही बच जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल कुछ भी थोड़ा सा भी समस्या हो, मारपीट थोड़ा सा भी हो जाए, पुलिस भी थाने में डायरेक्ट पहुंच जाता है सब। तो कहने का मतलब जो हम लोग गांव में पंच परमेश्वर हुआ करता था वह पंचायती राज आने के कारण सब खत्म हो गया। आगे देखिए, बिजली भी हम लोग के गाँव में कब की आ चुकी है, लेकिन वो मतलब जड़ने वाली से, बने रहने वाली से अधिक गई रहने वाली हो चुकी है। बिजली तो आ चुकी है, नाम के लिए आ चुकी है, बिजली आई है, लेकिन वो जलती नहीं है, बल्कि वो हमेशा गई रहती है, हमेशा बुतले रहती है। ऐसा कौन कहता है, ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं, और रियल बात सच्चाई है, ठीक है ना। तो बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। कह रहे कि बिजली बत्ती कब की आ गई हमारे गाँव में, लेकिन ये बनी रहने से अधिक गई रहने वाली हो चुकी है।
आगे अब के बिटवा का दहेज मोर कहते हैं कि गांव के जो लोग हुआ करते थे वो पहले के जमाने में कहते थे कि आपकी अपनी जो बेटवा है उसके दहेज में हम क्या लेंगे, टीवी लेंगे। अब दहेज में आप टीवी लीजिएगा नहीं, अब तो भाई मार्शल चरचकावा दशकवा खोजा सब, ट्रैक्टर खोजा सब, पारंपरिक खोजा सब दहेज में, कहने का मतलब ठीक है ना। तो पहले का जो लुक था वो अलग टाइप का था, मतलब उसको अगर पहले के जमाने में सुना कि 51 रुपया दहेज मिलता था, 51 रुपया सोचिए, 51 रुपया बहुत बड़का, अगर 51 रुपया दहेज में मिल गया था गांव भर में प्रचार हो जाता था कि बाप रे बाप उसको 51 रुपया दहेज में मिल गया। और आज आजकल चर्चकों में मिलता है तो गाँव में प्रचार नहीं होता, कॉमन बात हो चुकी है दहेज की। तो वही लेकर कहते हैं कि जो पहले के गाँव के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो कहते थे कि अपन बेटवा का दहेज में इस बार टीवी लेंगे, और साथ में घर के अंदर जो लालटेन हुआ करता था वह कैलेंडर के अलमारी में कैलेंडर के पीछे मतलब रख दिया जाता था, ठीक है। तो अब के बिटवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी हुई। तो इसका मतलब यही होगा कि जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो अपने बेटे के दहेज में त्रस्त थे कि टीवी लूंगा इस बार, और आजकल के लोग ऐसा नहीं है, आजकल बड़का बड़का गाड़ी मांगता है सब, बड़का बड़का सफारी मांगता है सब, पहले के गांव में और आज के गांव में बहुत ज़्यादा चेंजअप हो चुकी है, ठीक है ना। वही कहते हैं कि इस बार जो लोग हैं अब जो लोग हैं ना, पहले के जो ज़माने में हुआ करते थे लोग वो सब अपने बेटे के दहेज में टीवी मांगने के लिए सोचते थे, और साथ में जो हम लोग के घर में लालटेन है वो अलमारी में कैलेंडर के नीचे ढका हुआ है, वो कोनो काम का बचा ही नहीं है, वो सब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, प्रथा खत्म हो चुका है, जिस जमाने में लालटेन का प्रयोग कर जाती थी वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन कभी का लालटेन का प्रयोग करना ही पड़ जाता है। कहने का मतलब हमेशा लाइन बनन तो रहता नहीं है, या तो लाइन कभी आता है कभी चल जाता है, जिसके कारण से लाइन का हम लोग को प्रयोग लाइन नहीं रहने के कारण से लालटेन का यूज करना पड़ता है। वही है, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से बढ़ती। कहने का मतलब जो रात होता है वो, कहने का मतलब जो रात है वो उजाले से अधिक अंधेरा उगलता है, क्योंकि लाइट तो रहेगी नहीं, जब लाइट नहीं रहेगी तो अंधेरा तो उगलेगा, और साथ में अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से बढ़ती। और जब हम लोग अंधेरा में रहते हैं तो अपने अंदर घुटन सा महसूस करने लगते हैं, कि आखिर सोचने लगते हैं कि आखिर ये बिजली क्यों आई है, इस बिजली की वजह से पुरानी जो प्रथा लालटेन वाली दिए वाली जो प्रथा थी वो सब खत्म हो गई, तो आखिर ये क्यों मंगाई गई, ठीक है ना। तो तरह तरह की बातें अंधेरे में बैठकर आदमी सोचने का काम करता है, मतलब तरह तरह का भाव विभोर हो जाता है, बातें सोचने लगता है, कौन जो आजकल के मनुष्य हो चुके हैं। तो वही बात आ रही है कि इस बार जो पहले की जो जमाने में जो लोग हुआ करते थे अपने बेटे के दहेज में टीवी मांगने के लिए सोचा करते थे, और साथ में जो लालटेन था उस लालटेन को, मतलब जो आज के जमाने देखी जाए लालटेन को अलमारी के पीछे कैलेंडर से दाब के रख दिया गया है, जिसके कारण से जो रात है उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है, और उस अंधेरा में मनुष्य तरह तरह के भाव वाले विचारे सोचने लगता है कि आखिर जो पुरानी प्रथा वो क्यों खत्म हो गई, जब बिजली दी गई तो लाइन नहीं आ रही तो क्या फायदा ऐसी लाइन का, तरह तरह की बातें मनुष्य सोचने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये सारी बातें पढ़ेंगे ना तो इसका हिंदी आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब जैसा इसकी अगली पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भीड़ का है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। ध्यान देंगे इसमें क्या बोल रहे हैं, कि ज्ञानेंद्र पति जी कहना चाहते हैं कि जबकि, कहने का मतलब गांव में जो है वो मतलब अंधेरा है पूरा का पूरा, लेकिन जो शहर है मतलब गांव से बहुत दूर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वो भी कहाँ रोशनी में, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी में क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन गांव में न तो आवाज़ आ रही है और न तो रोशनी, मतलब न तो आवाज़ की रोशनी आ रही है और न ही रोशनी की आवाज़ आ रही है, मतलब जो गांव से बहुत दूर जो शहर में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है वहां पर न तो आवाज़ की रोशनी आ रही है और न रोशनी की आवाज़ आ रही है। ऐसा कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं, कहने का मतलब है गांव में अंधेरा छाया हुआ है लेकिन टाउन में लाइन है, बिजली है पूरी तरह से एकदम है, मतलब वहां पर लाइन नहीं कटती है, लेकिन गांव अंधेरा से घिरा हुआ है, वहां पर लाइन तो आ चुकी है लेकिन वहां पर मतलब हमेशा लाइन रहने वाली रहती नहीं है, वहां पर मतलब बनी रहने से गई रहने वाली लाइन यहां पर बनी रहती है, कहां पर गांव में। वही बातें कहते हैं कि जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भीड़ का है, कहने का मतलब अगर देखी जाए, लेखक कहते हैं गांव में तो लाइट नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, लेकिन गांव से बहुत दूर जाएंगे तो शहर में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है जिसका आवाज़ गांव के लोगों के पास नहीं आ रही है। आगे कहते हैं होरी चैती बिरहा अल्लाह अल्लाह गूंगे, होरी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना, आकाश और अंधेरे को काटते।
नहीं जी, कहने का मतलब है कि जो पहले के जो गांव के लोग हुआ करते थे उस मतलब गांव में होरी चैती आल्हा गुंगे ये सब गाना का नाम है, ये सब गाने गाई जाती थी पहले। चैती उती गाना सुने है ना, ये सब आल्हा उल्ला गाना सुने है ना, निर्गुण सुने है ना, तो ये सब पहले गाना गाई जाती थी। लेकिन अब ये सब प्रथा खत्म हो गया, अब सारा शोक गीत गाता है, सब फालतू फालतू गाना गाता है। सब सुने कभी सुनिएगा कैसा कैसा आजकल गाना गा रहा है सब गाँव के में, गाँव में, ठीक है ना। तो यही बातें कह रहे हैं कि पहले के जो गाँव हुआ करता था उसमें चैती निर्गुण मतलब होरी बिरहा आल्हा गुंगे ये तरह तरह के गाने गाए जाते थे। लेकिन आजकल जो जमाने हैं उसमें कौन सा गीत चमक रहा है, उसमें शोक गीत आ चुकी है और इसी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कौन से गीत को? शोक गीत को। आगे आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलावा तो कब का मर चुका है। कहने का मतलब है कि पहले की जो युग हुआ करता था, पहले सर्कस का बहुत ज़्यादा मांग था। जब लोग मतलब क्या होता है, जब टाउन में सर्कस आता था, सर्कस का खेल देखे ना, आज भी कहीं काल यूज करी जाती है आता है। तो पहले टाउन में जब सर्कस का खेल दिखाया जाता था तो उसके एक दिन पहले ही प्रचार करा दी जाती थी कि फलाना टीम का ये जो है ना यहाँ पर जो है ना मतलब सर्कस लगने वाला है, सब कोई आएंगे। तो गाँव के जो लोग ना मतलब दूर दूर से जाते थे उस सर्कस को देखने के लिए, भीड़ लगा करती थी। लेकिन अब वो सर्कस का खेल भी मर चुका है, अब वो सर्कस का खेल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी गांव की तरह तरह की परंपराएं जो है ना खत्म होती जा रही है, ऐसा कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं, ज्ञानेंद्रपति जी कहते हैं कि गांव की जो परंपराएं है वो सब क्या हो रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो वही बात आ रही है कि होरी चैती बिरहा आल्हा गुंगे लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत अनगाया अनसुना। कहते हैं कि पहले की जो गांव हुआ करता था उसमें होरी चैती निर्गुण तरह तरह के गाने गाई जाती थी। लेकिन आजकल के गांव में जो है ना वो एक शोक गीत भटकता है, फालतू मतलब जो है ना गाने भटकते रहते हैं और उसी गाने को लोग पसंद बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद 10 कोस दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर जब सर्कस का खेल दिखाया जाता था तो गांव में प्रचार करवा दिया जाता था कि यहां पर सर्कस लगने वाला है, गांव के लोग भारी संख्या में आकर इस सर्कस के खेल को देखें, इसका एंजॉय करें, मतलब पहले ही प्रचार करवा दी जाती थी, जिसके कारण से लोग दूर दूर से शहर जाते थे सर्कस का खेल देखने के लिए। लेकिन अब वो सर्कस का जो बुलावा है, जो सर्कस का प्रचार है, वो सब धीरे धीरे क्या चुका है, मर चुका है, उसकी प्रथा खत्म हो चुकी है। आगे कहते हैं कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते के उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। देखो कहने का मतलब है कि जो सर्कस का बुलावा है वो सब मर चुका है, जैसे लगता है कि जो हाथी का दांत है वो गिर गया है और उस जो दांत गिर गया उसको रगड़ रगड़ कर एक धूल के समान बना दी गई है, जो जंगल में छींच रहे हैं, जंगल में चुपचाप ज्यों कहते हो रखा हुआ है। यही ना बात है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते के उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छींच रहे जंगल में। यानी यहाँ पर ज्ञानेंद्रपति जी कहते हैं कि जो सर्कस का बुलावा था वो इस प्रकार मर चुका है, जिस प्रकार कोई हाथी अपने दोनों दांतों को गिराकर मर जाता है, जंगल में छींच जाता है और उसकी दांतों को जो रेत रेत कर धवल धूल बनाई जाती है, वो धवल धूल का जंगल में ज्यों का त्यों पड़ा बैठा है। मतलब हाथी क्या चुका, अपने गज दंतों को मतलब अपने मुंह वाले जो दांत होता है उसको गिराकर अपने आप को मार चुका है। उसी तरह से सर्कस भी जो है ना अपने आप को कब का वो मार चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी प्रकाश उसकी बुलावा को खत्म कर दी गई है। आगे देखिए, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गवाते अमित परिसर कि जिन बुलावों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। कहने का मतलब है कि अदालतों और अस्पतालों के लिए हम लोग को शहर बुलाया जाता है, मतलब मान लो कोई बीमारी हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। गांव में उतनी मतलब सिस्टम लगी नहीं है, गांव में उतनी व्यवस्थाएं नहीं, तो बात सीधी से शहर जाएंगे। अब शहर जाते हैं तो तरह तरह के लोग जो है ना मुंह खोल कर बैठा है, हम लोग को लूटने वाले, कहेंगे कि ये काम करा दूंगा आप मुझे इतना पैसा दीजिए, कोई काम नहीं होता है। मतलब घुसखोरी चोरी ये सब चलता है टाउन में, ये सब का ज़्यादा प्रथा चल रहा है। तो वही कहते हैं कि अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंवाते अमित परिसर की जिन बुलावों से गांव के घर के रीढ़ झुरझुराती है। कहने का मतलब हम लोग यदि किसी कोर्ट के मामले में केस उसके मामले फंस जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, उसके सिलसिले में अगर अस्पताल चले जाए शहर में, बड़े बड़े शहर में अस्पताल चले जाए, तो वहाँ का जो लोग है
वो चूसते चूसते हम लोग से पैसा लेते लेते हमको क्या करता है ना, गरीब बना देता है। मतलब इतना चूस चूस लेता है सब, फिर हम लोग को शहर जाने का मन नहीं करता। शहर से लोगों का मन फट जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लोग है ना खाली लूटने वाला है, वो जनता का सिर्फ शोषण करता है, जनता को लूटते रहता है। ऐसा कौन कहते हैं? ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं, ठीक है ना, कि जो अब अदालत, पहले के जमाने में पंच परमेश्वर हुआ करता था, वही सब फैसला सुनाता था, लेकिन अब तो पंचायती राज चुका है। अब जब भी जाएंगे तो आपको कानून व्यवस्था के पास जाना पड़ेगा, थाना में जाना पड़ेगा, थाना में जाने के बाद उनको घूस देना पड़ेगा, बिना घूस का कोनो काम नहीं करता है सब। तो कहने का मतलब कि जो अदालत है, जो अस्पताल है, इन सब में जो लोग हैं ना वो अपने मुंह फैलाए बैठे हैं, मुंह खोले बैठे हैं लोगों को चूसने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए। अदालत और अस्पताल के मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो बुलाते हैं, जिसके कारण से लोगों का जो है ना मतलब देह झुरझुरा जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग टाउन नहीं जाएंगे, शहर नहीं जाएंगे, ना अदालत जाएंगे ना अस्पताल जाएंगे। मतलब लोगों का मन भर जाता है किससे? अदालत और अस्पताल से। ये सारी सिस्टम बेकार में बनाई गई है। मतलब हम लोग का जो पुराना गांव है ना वो खत्म हो चुका है। पुराने गांव में कोई भी समस्या हुआ करती थी, गांव के 10 लोग मिलकर ही उस समस्या को सुलझा देते थे और समस्या का हल भी निकाल देते थे। लेकिन आज सुलझाएगा तो कहता है सब कि उसी के पक्ष में। कहने का मतलब जनता में थोड़ा सा गर्मी हो जाता है, अपने में लड़ेगा सब, कानून व्यवस्था के पास चला जाएगा सब। वो जब तक कानून व्यवस्था पैसा नहीं चूसेगा तब तक ही जनता भी शांत नहीं होने वाला है। देखो बुआ, बात सीधी सी है कि अदालत और अस्पताल जो है ना वो जो है ना मुंह खोले बैठे हुए हैं जनता का शोषण करने के लिए। जब जनता जाती है तो वो अदालत और अस्पताल के जो लोग हैं जनता का भरपूर शोषण करती है, जिसके कारण से जनता का अदालत और अस्पताल से मन फट जाता है। इसलिए कभी भूल कभी ये अदालत और अस्पताल के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया गाँव का घर। इसके माध्यम से कभी यही बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव का पुराना घर था वो समाप्त हो चुका है, जो पुरानी प्रथा थी वो सब समाप्त हो चुकी है। गाँव पूरी से बदल चुका है, गांव को खो चुका है, अपने सिस्टम को खो चुका है। पुराना गांव अब गांव नहीं रह चुका है, ये आधुनिक गांव एक अलग टाइप का, एक शहर टाइप का बनते जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गांव के घर कविता को पूरे एक्सप्लेन से समझ गए होंगे। हालांकि देखिए ये क्या है, एक गद्य काव्य है, बता दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में गद्य काव्य क्या होती है। तो गद्य काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसकी भाषा गद्य की होती है, लेकिन भाव और विचार किसके होते हैं? काव्य के होते हैं। देखिए देखेंगे आप इसको पढ़ेंगे तो इसका हिंदी इसी में छुपा हुआ है, तो आप इसको पढ़िएगा और बेटर ढंग से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।